हेलो सीता, मेरी बात सुनो। अखबार में अभी अभी मैंने एक एड देखा एक फ्लैट का, हमारे घर के काफी करीब है और प्राइस भी काफी रीजनेबल है। मैं सोच रहा था कि अगर मोहन अपने ऑफिस से थोड़े लोन का इंतजाम कर ले तो बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम क्या सोचती हो? मैं दीदी को बुलाती हूँ। दीदी, आपका फोन है, आ रही हूँ। किसका है? हेलो, बीता वहां पर है? जी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। अच्छा, ऐसा है कि मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम बीता से पूछ लेना मैंने क्या कहा है। वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। बाय। अच्छा बीता, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, मैं चाहती। अरे तबीयत ठीक हुई तो यही आराम करो। नहीं, अब मेरा जाना ही ठीक है। क्या हुआ? उन्होंने फोन पर कुछ कहा क्या? मुझसे तो कह रहे थे कि तुम मीता से पूछ लो। क्या कहा उन्होंने? किसी फ्लैट के बारे में कह रहे थे, वो ले लो तो आप दोनों एक दूसरे के करीब रह सको। मीता, जब मैं पायल से मिलने गया तो मैंने ऐसा प्रटेंड किया कि मैं उस पिकनिक म्यूजिक और डांस के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन जब मैंने पिकनिक की बात की और वही म्यूजिक बजाया जो उस दौरान पिकनिक में बज रहा था तो वो चीख चीख कर फुट फुट कर रोने लगी। प्रकाश के इस बिहेवियर ने उसके दिमाग पर काफी शॉक दिया। डॉक्टर पायल की जो हालत है उसका असली जिम्मेदार मैं हूं। शुरू शुरू में मैंने उससे दोस्ती करनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे रूठ थी। इसलिए भले ही मैं दिल ही दिल में उसे प्यार करने लगा, फिर भी मैं उससे दूर रहने लगा। इसी बीच पायल भी धीरज से प्यार करने लगी, लेकिन जब भी उसने धीरज से मिलना चाहा, धीरज ने उसे ठुकरा दिया। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस बर्ताव से वो इतना डेस्परेट हो जाएगी कि मुझे जलाने के लिए उस बदमाश प्रकाश से दोस्ती कर लेगी, सिर्फ मुझे जलाने के लिए। बहुत समझाया उसे मैंने, लेकिन उसे मुझे जलाने में मजा आ रहा था। उसे क्या मालूम था वो किस मुसीबत में फंसने वाली है। सब मेरी वजह से हुआ डॉक्टर, मेरी वजह से। नहीं धीरज, यू आर रॉन्ग। पायल की पर्सनैलिटी में ये जो एबनॉर्मलिटी आई है उसका कारण तुम नहीं, शायद इससे पहले भी उसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसका असर अब भी उसके दिमाग पर है। धीरज, मैं कोशिश करूंगा कि उसके अतीत का असर उसके भविष्य पर ना आए।